स्टार पहेली भाग दो, स्टार पजल्स पार्ट टू। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि तीसरे और चौथे क्रम यानी थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर की स्टार पहेलियों को कैसे हल किया जाता है। फ्रूटी कहता है, एपी, कल तुमने मुझे दूसरे क्रम की स्टार पहेली को हल करने में मेरी सहायता की थी, इसलिए अब मैं किसी भी स्टार पहेली को हल कर सकता हूँ। तभी एपी कहता है, ओह सच में, तो चलो देखते हैं, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो। ये एक तीसरे क्रम की स्टार पहेली है, क्या तुम इसे भर सकते हो ताकि इसके दोनों विकर्ण योग यानी डायगनल सम्स और क्षैतिज योग यानी हॉरिजॉन्टल सम बराबर हो जाए। बच्चों, मुझे यकीन है कि फ्रूटी की तरह आप भी इस पहेली को हल कर सकते हैं। तो अब आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और इस पहेली को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तभी कुछ सोच विचार कर वो बोलता है, हम जानते हैं कि एक कैलेंडर में तीसरे क्रम के अपूर्ण जादुई वर्ग यानी थर्ड ऑर्डर इनकम्प्लीट मैजिक स्क्वायर के क्षैतिज योग, ऊर्ध्वाधर योग और विकर्ण योग बराबर होते हैं। तो यहाँ इस स्टार को भरने के लिए हम तीसरे क्रम के अपूर्ण जादुई वर्ग की केंद्रीय संख्या यानी सेंट्रल नंबर को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। अब तुम देख सकते हो कि दो विकर्ण योग और एक क्षैतिज योग बराबर हैं। यहाँ 1 और 17, 3 और 15 और 8 और 10 पूरक युग्म यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार पहेली का क्रम स्टार बनाने वाले पूरक युग्मों की संख्या है। फ्रूटी का उत्तर सुनते ही तुरंत एपी कहता है, अरे हाँ बिल्कुल सही। अब मेरी दूसरी पहेली को ध्यान से सुनो। यहाँ पर 8 क्रमागत संख्याएं यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। क्या तुम इनका उपयोग चौथे क्रम की स्टार पहेली को भरने के लिए कर सकते हो? प्यारे बच्चों, फ्रूटी इस पहेली को हल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आप भी इस वीडियो को रोककर पहेली को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि फ्रूटी इस पहेली को कैसे हल करता है। कुछ सोच समझ कर तभी फ्रूटी कहता है, इसके लिए हमें समान रूप से रखी गई संख्याओं के युग्म यानी इक्वली प्लेस्ड नंबर पेयर्स लेने होंगे। यहाँ यह समान रूप से रखी गई संख्याओं के युग्म या पूरक युग्म हैं और देखो इनका योग बराबर है। तो इन संख्याओं का उपयोग करके हम इस तरह से स्टार भर सकते हैं। यहाँ 13, 14, 15 और 16 क्रमागत 4 प्रकोष्ठ यानी
फोर कॉन्सिक्यूटिव सेल्स एक ऐसी दिशा में हैं जिसमें घड़ी के कांटे चलते हैं, यानी दक्षिणावर्त क्रम यानी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, जबकि 17, 18, 19 और 20 क्रमागत चार प्रकोष्ठ घड़ी के कांटों के चलने की विपरीत दिशा में यानी वामवर्त क्रम यानी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। अब यहाँ देखो, यह 8 संख्याओं का योगात्मक अनुक्रम यानी एडिटिव सीक्वेंस है। यहाँ यह समान रूप से रखी गई संख्याओं के युग्म हैं। इसलिए ये पूरक युग्म हैं और देखो इनका योग बराबर है। तो इन संख्याओं का उपयोग करके हम इस तरह से स्टार भर सकते हैं। इसलिए हम चौथे क्रम की स्टार पहेली को भरने के लिए योगात्मक अनुक्रम की 8 संख्याओं का उपयोग भी कर सकते हैं। ये सुनते ही तभी एपी कहता है, बिल्कुल सही, शानदार फ्रूटी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम किसी भी स्टार पहेली को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। तो बच्चों, मुझे आशा है कि अब आप भी फ्रूटी की तरह ही किसी भी स्टार पहेली को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस स्टार पहेली को हल करने का प्रयास कीजिए। ये एक चौथे क्रम की स्टार पहेली है। क्या तुम इसे भर सकते हो ताकि इसके ऊर्ध्वाधर योग, क्षैतिज योग और विकर्ण योग 26 हो। हमें आशा है कि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।